आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों, अगर आप खाना खाते समय हाथ धुलना नहीं भूलते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाते हुए मोबाइल भी इस्तेमाल करते तो आपके हाथ धुलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिन्हें छूने से पहले हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि इसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। एक समान फफूंद लगी ब्रेड से ज़्यादा जर्म्स आपके बाथरूम में टंगे ब्रश होल्डर या वॉलेट में रखे नोट्स में हो सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं ऐसे सबसे गंदी और जर्म से भरी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप रोज़ाना करते हैं मगर इसके दुष्प्रभाव से अनजान है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, साथ ही बगल में बनी घंटी को भी बजा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में होगा एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत बनकर उभरा है। ये ऐसा डिवाइस है जो ज़्यादातर लोगों के साथ हर समय हर जगह मौजूद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन पर आपके टॉयलेट सीट से 10 गुना ज़्यादा जर्म्स हो सकते हैं? मोबाइल फ़ोन की बॉडी पर लगे जर्म्स और बैक्टीरिया के कारण डायरिया और पेट की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर आप मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर 2 घंटे में हाथों को साबुन से धुलना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। कंट्रोल एक ऐसा डिवाइस है जिसे घर में लगभग सभी छूते हैं। छोटे बच्चे जो कभी कभी इसे मुंह में भी भर लेते हैं। कई बार रिमोट आपके सोफा कुशन में चला जाता है या बेड पे पड़ा रहता है या जमीन में गिर जाता है और आप इसे उठाकर आराम से रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रिमोट कंट्रोल की बॉडी पर भी ढेर सारे वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है? रोजाना रिमोट को 2-3 बार एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन से पोंछें। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड भी आपको बीमार बना सकता है क्योंकि उस पर ढेर सारे वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। काम के दौरान कई बार आप कीबोर्ड के आसपास ही खा पी लेते हैं या बच्चे गेम खेलने लगते हैं। इसके अलावा दिन भर छूने से उस पर ढेर सारे जर्म्स जमा हो जाते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड को काम से पहले अल्कोहल सोल्यूशन से साफ करना चाहिए। मौजूद जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं उनमें से एक बर्तन धुलने का स्पंज और स्क्रबर भी है। इसका कारण ये है कि कई बार यह धुले और कच्चे पके भोजन के सीधे संपर्क में आता है और यह ज़्यादातर समय गीला रहता है, इसलिए यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। दांतों को जर्म से बचाने के लिए आप टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश करने के बाद जब आप इसे धुलते हैं तो इस पर लगे जर्म्स पानी के साथ बह जाते हैं, मगर फिर भी इतने जर्म्स आपके टूथब्रश में रह जाते कि आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी हैं। आपके बाथरूम में मौजूद चीज़ों में सबसे ज़्यादा जर्म्स उसी ब्रश होल्डर या ब्रश में होते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हाथों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इतने सारे हाथों और जगहों से गुजरते हुए उसमें ढेर सारे हानिकारक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नोट गिनने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं जिससे ढेर सारे वायरस उनके मुंह के रास्ते उनके पेट तक पहुँच जाते हैं। एक शोध के मुताबिक एक नोट में लगभग 3000 अलग अलग तरह के वायरस मौजूद होते हैं। नोट को छूने से आपके हाथों में ये वायरस और बैक्टीरिया आ जाते हैं और फिर आपको बीमार बनाते हैं। पर्स या वॉलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग घर से बाहर रहने पर करते हैं। दिन भर से छूते रहने से और पैसा सिक्का आदि को इसमें रखने से इसमें ढेर सारे वायरस और बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा कई बार पर्स को आप दुकानों के काउंटर में, बाथरूम के स्टॉल पर या कार की सीट पर रख देते हैं जिससे ये बेहद गंदे हो जाते हैं। ATM का इस्तेमाल दिन भर अलग अलग लोग करते हैं। सबके हाथों से होते हुए हजारों तरह के वायरस और बैक्टीरिया इस ATM मशीन की बॉडी और कीपैड में मौजूद होते हैं, लेकिन ATM का इस्तेमाल करते समय आपको कभी भी इस बात का ध्यान नहीं होता है। अपने काम करते हुए गीले बर्तनों और हाथों को पोंछने के लिए आप जिस किचन टॉवल का इस्तेमाल करते हैं उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया और जर्म्स मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना अपने किचन टॉवल को धुले और अच्छी तरह से सूखने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज का मैसेज है बंटी सिंह का पंजाब से और वो लिखते हैं कि एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं, इसलिए नारी का दर्जा एक पुरुष से हमेशा ऊंचा होता है। दोस्तों, सलाम है ऐसी सोच को जो बेटियों को किसी से कम नहीं समझते। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज है और चाहते हैं लोगों तक पहुँचे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शामिल करूँगी।
दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो अनलाइक करो। अनलाइक क्यों किया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।